अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कासिम और आज का टॉपिक है एंट्री रिलेशन डायग्राम्स। अब तक जो हमने डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाई थी उनको हम एक एंट्री रिलेशन डायग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। एंट्री रिलेशन डायग्राम्स, अब तक जो हमने TFD डायग्राम्स बनाई थी उन्हें आज हम ER डायग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ER यानी कि एंट्री रिलेशन डायग्राम, एंटिटीज और एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम इस डायग्राम के साथ शो करेंगे। एंटिटीज़ बाद में टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगी और उनकी एट्रीब्यूट्स उसके सेल्स यानी कॉलम्स बन जाएंगे, और जो उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ टेबल्स को मिला के क्यूरी कर सकेंगे। तो एक एंटिटी को ज़ाहिर करने के लिए आमतौर पर एक रेक्टेंगुलर शेप इस्तेमाल होती है। तो इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं व्हीकल वाला, व्हीकल सेल और रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके हम एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाते हैं। तो हम एक एंटिटी बनाते हैं प्रोफेशंस, इसका कैपिटल कर देते हैं प्रोफेशंस। शेप्स को थोड़ा सा स्मॉल रखते हैं ताकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह रहे बनाने के लिए चीज़ों को। तो इसको हम सेंटर में रख देते हैं कि हमारी जो टेबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, एट्रीब्यूट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमारे पास जगह होनी चाहिए इनको मैनेज करने के लिए। दूसरा टेबल हम जो बनाएंगे वो होगा यूज़र्स। यूज़र्स में सभी यूज़र का रिकॉर्ड होगा, चाहे वो एडमिन हो या वो यूज़र राइट्स रखता हो। डायमंड शेप कंडीशन को ज़ाहिर करती है कि किस बेस पे वो रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो हम इसमें सिंपल सा एक रिलेशनशिप यानी कि दे सकते हैं हैज़। एक यूज़र प्रोफेशन रखता है, उसका कोई प्रोफेशन होता है, तो हमें इसके दरमियान जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इंसर्ट शेप्स के अंदर हमारे पास लाइंस टूल है, तो लाइंस आ गई हमारे पास। अगर आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने भी एक दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाया है, हमने इसके एट्रीब्यूट्स नहीं बनाए। तो इसका जो रिलेशनशिप बनेगा उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब भी करेंगे एक टेक्स्ट फील्ड के ज़रिए से, वन डॉटेड डॉटेड। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कि एक सिंपल फॉर्मेट है यूम डायग्राम्स का, वन और कंटिन्यू। पर आमतौर पर जो एंट्री रिलेशन डायग्राम के लिए यूज़ होता है वो एक ग्राफिकल शेप है, डबल लाइंस। एक यूज़र का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आएगा प्रोफेशन के साथ, और प्रोफेशन का एक रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे आएगा। ये जो तरीका है पढ़ने का वो आप चेंज भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यूज़र का रिलेशनशिप इसके बाद आए, जैसे आप कहेंगे कि यूज़र एक प्रोफेशन रखता है और एक प्रोफेशन मैनी यूज़र रखता है। तो रिलेशनशिप के डायग्राम्स के बाद अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं या आप ये तरीका यूज़ करते हैं कि उसके साथ पहले रिलेशनशिप आए और उसके बाद उसका जो है दूसरे टेबल का नाम आए, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे यूज़र हैव वन प्रोफेशन, वन प्रोफेशन हैव
मैनी यूजर यूजर्स, तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक ग्राफिकल शेप में। तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा ताकि स्पेस रहे। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके साथ, ताकि पढ़ने में आसानी रहे, कि डायग्राम के साथ जो रिलेशनशिप आएगा वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, कि एक यूज़र मैनी प्रोफेशन नहीं रखेगा। फर्स्ट लाइन जो है ये मेंडेटिव की देती है या ऑप्शनल का होता है। वन से मुराद, यानी कि लाइन से मुराद ये वन है, एक रिकॉर्ड लाजमी उसके साथ रखता होगा तल्लुक। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वन ही हो। तो हम यहाँ पे इसकी डायग्राम बना दी है। हो सकता है जो बुकिंग कर रहा है वो उसका कोई प्रोफेशन ना स्टूडेंट हो, तो वो अदर्स में आ जाएगा। तो उसका कोई ना कोई उसका प्रोफेशन ज़रूर होगा, अदर में ही काउंट होगा। अगर वो लिस्ट में नहीं होगा तो, जैसे कि आर्मी है, टीचिंग है, प्रोफेशन है, तो अगर नहीं है तो फिर उसके साथ एक ना एक उसका रिलेशनशिप लाजमी बन रहा होगा, यानी कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक रो इसके साथ ज़रूर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो हम यहाँ पे वन ही रखेंगे। सेकेंड वाला जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि मैंडेटरी रिलेशनशिप है, यानी कि ये इसकी जो फील्ड है वो ज़्यादा लाजमी होगी। तो अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे टेबल्स एंटिटीज क्रिएट हो गई हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी हम जल्दी से इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हम लिख लेते हैं। एट्रीब्यूट को ज़ाहिर करने के लिए ओवर शेप का इस्तेमाल होता है। ओवर शेप में हम जो है टेक्स्ट लिखेंगे आईडी। तो आप देखने की लेफ्ट और राइट काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लेके जा रहा है। अगर मैं इसकी इमेज को छोटा भी कर देता हूँ तो मैं ज़्यादा इसकी इमेज को छोटा नहीं कर सकता। इसे ओवर ही शेप रहने दें, तकरीबन सर्कल ना बनाए इसको। तो नहीं, यहाँ पे इसको रख दिया आईडी। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हम रखेंगे, ताकि हम इसके ऊपर जो क्रेड ऑपरेशन है डेटाबेस की वो परफॉर्म कर सकें। तो तकरीबन सभी जितने भी हम एंटिटीज़ बनाएंगे उनमें एक एट्रीब्यूट हम आईडी का रखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया प्रोफेशंस, यानी कि प्रोफेशन नेम आ जाएगा। पी कैपिटल कर देते हैं। इससे शेप को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे दिस काउंट। डिस्काउंट मतलब हम एक प्रोफेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एडमिन डिस्काउंट रखता है, तो इस शेप को हम कनेक्ट करवा देंगे। ये तीन एट्रीब्यूट ही काफ़ी हैं इसके लिए। बकाया हम यहाँ पे आईडी को वैसे ही हम कॉपी कर लेते हैं। तो आईडी यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा हमें काफ़ी सारे एट्रीब्यूट चाहिए होंगे यूजर्स में, जैसे कि उसका एक नेम होगा, नेम एट्रीब्यूट होगा। अब हमने अरेंज करना है किसी तरह के पासवर्ड होगा,
ईमेल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो उसकी है, ईमेल को हम छोटा कर देते हैं और इसे करीब भी कर देते हैं ताकि इसे कनेक्ट करवा सकें इस एंटिटी के साथ, थोड़ा सा फासला रखते हुए। सीएनआईसी हम लेंगे जिसकी बेस पे हम इसे चेक करेंगे बाद में कि इसकी बुकिंग वेरीफाई की जाए या ना की जाए, कि इसका हिस्ट्री जो है वो क्लीन है, इसके डैमेजेस ज़्यादा हैं, व्हीकल की डैमेजेस ज़्यादा हैं या नहीं। फ़ोन नंबर हम देंगे इसका, तो जितना शॉर्ट कर सकें वर्ड्स को उतना ही करें जिससे आप बाद में पढ़ भी सकें। इसमें हम एड्रेस एक फील्ड लेंगे जिसमें हम इसका एड्रेस रखेंगे, ओके। और एक फील्ड होगी इसकी प्रोफेशन आईडी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और एक और फील्ड होगी जो तकरीबन सभी में ही पाई जाएगी, वो है सॉफ्ट डिलीट की। ये फीचर आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि रिकॉर्ड को डिलीट करने के बजाय उसमें चेक सेट कर दिया जाता है कि वो शो ना करे, और क्यूरी में जब हम सेलेक्ट की क्यूरी करते हैं तो हम इस चेक को टेस्ट करते हैं, अगर वो चेक की वैल्यू खासली सेट हो, जैसे कि सॉफ्ट डिलीट 1 हम रखते हैं तो डिलीट को इंडिकेट करेगा तो वो शो ना करे रिकॉर्ड को। तो अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, वैसे हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो है ना फील्ड्स अरेंज हो जाएं, और चाहे थोड़ा सा लेंथी ही चल जाए। आई थिंक ये रेंज हो गया है काफ़ी हद तक, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं कि ये जो टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें हर चीज़ आपको खुद ही बनानी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर इस टूल की मदद से आप इसे जब कम कर लेंगे तो बाद में इसे एडिट करना आसान हो जाता है चीज़ों को। और अगर आपकी थोड़ी सी इस पर क्रिप हो जाए तो आप थोड़ी सी स्पीड इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं चीज़ों को डुप्लीकेट करके, या जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती हैं उनको दोबारा इस्तेमाल करके। तो मैं इसको प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ अपनी ER डायग्राम में। तो अगली जो हमारे पास है नेक्स्ट वीडियो, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और जो इसके रिमेनिंग टेबल होंगे उन्हें भी हम ड्रॉ करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा,
लाइक करके ही आप मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं, और मैं इस चैनल के लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ को मिले, तो आप उस नीचे दिए हुए बटन सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकें और आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।